हेलो चैम्स, इस सेशन में हम एक बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल समझने जा रहे हैं। इसको मैं स्पेशल इस वजह से बोलता हूं क्योंकि ये ट्रायंगल आपको सेवन स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आपकी स्टडीज में काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्स, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं। आप इस ट्रायंगल को बनाने के लिए एक डी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर मैं इसको एक कंपास से बनाने जा रहा हूं। इस पॉइंट से मैं एक आर्क लगाने जा रहा हूं। ये मैंने आर्क लगा दिया। इस पॉइंट को एक आर्क और लगाने जा रहा हूं और इस पॉइंट से मैं एक आर्क और लगाने जा रहा हूं। बिल्कुल ठीक समझ गए हैं, मैं एक 90 डिग्री एंगल बनाने जा रहा हूं, यानी कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं इस लाइन पर। तो मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाने जा रहा हूं, ठीक है? तो ये आपको आता है, मेरे पहले सेशंस में आप समझ चुके हैं कि 90 डिग्री एंगल बनाना कैसे है। इस ट्रायंगल को बनाने के लिए आपको 90 डिग्री एंगल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाने जा रहा हूं, तो ये हमारा बन जाता है एक राइट ट्रायंगल। अब इसको राइट ट्रायंगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एग्जैक्टली इस लाइन के साथ ये बनाता है 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? अब मैं इस ट्रायंगल के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, जो बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए। आइए चैंप्स, इस ट्रायंगल को एक नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी। जैसे मैंने आपको बताया, इसका नाम है राइट ट्रायंगल क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री बना होता है। मगर इस राइट ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं, इनके कुछ बहुत स्पेशल नाम होते हैं, तो आइए जानते हैं। जो लाइन ए बी है, इस साइड को बोला जाता है बेस। और जो लाइन बी सी है, इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जो लाइन ए सी है, इसको बोला जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं एच से, इसको डिनोट कर देते हैं बी से, और इसको डिनोट कर देते हैं हम पी से। टैम्स, एक राइट ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है? तो जो साइड्स एंगल 90 डिग्री के एडजेसेंट में होती है, तो एडजेसेंट में दो साइड है, इसमें से एक लाइन है बेस लाइन है और दूसरा है परपेंडिकुलर लाइन। जो बीसी लाइन है ये परपेंडिकुलर है और जो बी ए लाइन है ये बेस है, तो ये 90 डिग्री के एडजेसेंट में है। मगर हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है हमेशा। इसको एसी लाइन जो है, इसको हाइपोटेनस बोलेंगे हम, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट बात, राइट ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स का टोटल होता है, यानी इसमें बात करें एंगल ए की, इसको स्मॉल इससे डिनोट कर देते हैं, इसको एंगल सी का नाम दे देते हैं, और एंगल बी तो आपको पता ही है 90 डिग्री है। तो अगर इनको लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, जो 90 डिग्री है, इनका टोटल आ जाता है 180 डिग्री। तो एक राइट ट्रायंगल का तीनों एंगल का टोटल हमेशा 180 डिग्री ही आता है। चैंप्स, अगले सेशन में मैं आपको इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, जो आपको मालूम होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में मेरे साथ बने रहिए। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।